वाला शब्द आपने तो आमूमन सुना था, लेकिन पटना में इन दिनों एक चाय वाली का ठेला काफी सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल ग्रेजुएट पास छात्रा के द्वारा लगाया जा रहा, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल 24 वर्षीय प्रियंका गुप्ता कोई आम चाय वाली नहीं है, बल्कि एक ग्रेजुएट पास चाय बेचने वाली छात्रा है। प्रियंका गुप्ता पूर्णिया की रहने वाली है और इन दिनों पटना वुमेन्स कॉलेज के पास चाय का ठेला लगाकर चाय देश की नजर आ रही है। मेरी जानकारी के अनुसार प्रियंका ने वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन किया है। वहीं पटना में रहकर 2 साल से प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी किस्मत आजमा रही थी और असफल रही, जिसके बाद प्रियंका गुप्ता ने घर वापसी करने से अच्छा अपने पैरों पर खड़ा होकर कमाने का प्लान कर लिया। 11 अप्रैल से प्रियंका गुप्ता ने चाय बेचने का काम शुरू किया है, जिसका ठेला पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास लगाया जाता है, जिसमें प्रियंका ग्रेजुएट होने का कोई झिझक महसूस नहीं होता। उसका मानना है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना उसका यह कदम है। प्रियंका गुप्ता का हौसला अफजाई कॉलेज के स्टूडेंट की ग्राहक बनकर करते नजर आते। खास बात ये है कि प्रियंका ने पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर अपनी दुकान खोली है, जिसका फायदा उसे नजर आ रहा है। इसको लेकर कुछ छात्राएं हैं जो कुछ कह रही हैं और क्या कह रही हैं, आइए हम सुनते हैं। चाय वाली तो बहुत देखे, और चाय वाली देखे कुछ खुशी मिल रही है कि चल कुछ तो अच्छा हुआ ना, मतलब सोच कर ही अच्छा लग रहा है। सपोर्ट कर रही बहुत चल रही। हाँ, कुछ रही है, हर कुछ अलग कर रही हैं, खुद के दम पे कर रही हैं, किसी को जॉब देने के लिए भी कर रही। इनका मोटो है कि हम किसी को जॉब दे, किसी के अंदर करे नहीं। सिर्फ हम डेली पी भी रहे हैं, अभी बहुत देर से देख भी रही हैं, टेस्ट भी इनका अच्छा है। जो टेस्ट होता है वो पीने से नहीं, साइड में खड़ा होने से भी उसका टेस्ट पता चलता है सामने वाला क्या बना रहा है। बहुत बहुत अभी एक आंटी आई थी, वो बोली आप लोग ये क्यों कर रही है, ये लोग आपके लिए नहीं है ये वो। प्रदीप बोली कि क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते, हमको भी करना है। और ये बहुत अच्छा कर रही है, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। बस जो लोग देख रहे हैं वो लोग आकर इनका चाय टेस्ट कीजिए और इनको और आगे बढ़ाइए। लोग पूरा खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे खड़ी होकर के चाय वाली और सबको चाय बना के पिला रही है। ये इट्स अ ग्रेट थिंग, जो कि हर किसी के अंदर वो एक डर होता है कि चाय वाली कैसे बने, समाज क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बट इनके जज्बे को सलाम है हमारा कि ये यहाँ खड़ी होकर के और चाय वाली बन के सबको चाय पिला रही, और आई थिंक ये बहुत आगे जाएंगी, इनका बिजनेस बहुत आगे जाएगा और ये बहुत अच्छा करेंगी। और चाय पी रही? हाँ बिल्कुल, हम लोग 2 दिन से चाय पी रहे हैं और काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और मेरा कहना है कि जो भी इस वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, आप आके एक बार इनका चाय टेस्ट करो, यू लव इट, लाइक जस्ट लव इट। अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो सबको पता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, तो इसमें कहते हैं ना कि मुश्किल में भी लोग एक रास्ता निकाल लेते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो सक्सेसफुल नहीं होने के बाद वो डर के घर में बैठ गए, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर इन्हें सक्सेस नहीं मिल पाया तो ये कुछ दूसरा रास्ता खोज करके और ये अपने मंजिल की ओर बढ़ रही हैं। तो हम लोगों को इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए और सीखना चाहिए कि कभी भी रास्ता अगर हम चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड जॉब ही एक हमारे पास चांस होता है, आगे भी बिजनेसेस भी बहुत बड़े हम लोगों को चांस देते हैं। दैट्स व्हाई 6 महीने पहले थॉट आया था, मैंने प्रफुल्ल बिलोड़े MBA चाय वाले की वीडियोस देखी थी और वो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगे। उनकी बहुत सारी वीडियोस देखी, मेरे अंदर हिम्मत आई कि नहीं मुझे भी ये करना चाहिए। और तो फिर 6 महीने पहले थॉट था और आज मैंने वो कर दिया। ग्रेजुएशन तक सर 2019 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से, और उसके बाद 2 साल बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी और फेल हो, एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं कर पाई, तो फिर कुछ करना था उधर और ज़्यादा टाइम नहीं देना था, क्योंकि मुझे पता था वो एग्ज़ाम्स हम कर ही नहीं पाएंगे। आपको अपना पता होता है ना कि आप किस लेवल पर जा सकते हो नहीं जा सकते हो, तो फिर पता था कि बार बार फेल ही होना है, तो इससे अच्छा अपना टाइम एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करो जहाँ तुम्हारा दिल करता हो जो काम करने का। चाय वाली कहाँ से ख्याल है? चाय वाले तो बहुत है पटने में। तो वहीं से ख्याल आया कि चाय वाले बहुत हैं, ट्रेंडिंग बहुत कर रहे थे चाय वाले, तो मैंने सोचा चाय वाली भी होनी चाहिए, तो वहीं से ख्याल आया। क्या घर में सबको पता है? अब पता है, 2 दिन से पता, पहले से 3 महीने से कुछ नहीं पता था।
मैं अभी एक सप्ताह से स्टॉल लगा रही हूँ एंड 3 महीने पहले से पटना आकर सारा प्रिपरेशन करना, चाय का सब कुछ, मार्केटिंग रिसर्च करना, पैसे अरेंज करना और ये सब जो भी सामान अरेंज करना, तब तक किसी को कुछ नहीं पता था। और जब ये सब पब्लिश होने लगा तब मैंने अपने पेरेंट्स को बता दिया। यहाँ तो सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है सबका, बाहर से जो लोग आते हैं उनका भी और कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी, तो यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा लगता है यहाँ चाय का स्टॉल लगा। पुलिस का सपोर्ट मिलता है? हाँ, पुलिस वाले भी आते हैं? हाँ, कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं चाय पीने के लिए, कुछ बैंक के मैनेजर्स भी आते हैं सुबह सुबह वॉक करने जाते हैं ना, तो आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ नगर निगम के अधिकारी भी आए थे चाय पीने के लिए। कितने बजे दुकान खुलती है? 6 बजे से। 6 बजे सर, क्लोजिंग टाइम सर अभी कंफर्म नहीं है, कभी 2 बजे, कभी 12 बजे, कभी 3 बजे भी। कितने फ्लेवर हैं आपके चाय के? मेरा चाय का 3 फ्लेवर अभी, एक चॉकलेट चाय, 5 चाय मसाला चाय और एक नॉर्मल कुल्हड़ वाली चाय। 3 फ्लेवर्ड चाय और एक नॉर्मल चाय। क्या कहना? आप 100% गवर्नमेंट जॉब पर रिलाई कर ही नहीं सकते, वैकेंसीज जिस अकॉर्डिंग है सबको जॉब तो मिलेगा नहीं ना, और बाकी जो बच्चे जिनको जॉब नहीं मिला क्या ये मतलब नहीं वो टैलेंटेड नहीं है, तो अपने टैलेंट को कहीं और यूज़ करो, कुछ और करो, मतलब प्लान भी होना चाहिए लाइफ में। तो फिर भाई, तो आपने देखा कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहें NBC 24।